मैं जो कुछ डिबोटी का लाइफ में देख रहा हूँ यहाँ पे, तो वो कुछ शेयर करना चाहूंगा। कुछ डिबोटी का पर्सनल लाइफ विथ डिवोशनल सर्विस, तो वो कुछ शेयर करना चाहूंगा, इसलिए परमिशन चाहता हूँ। जपा हम भक्ति में ये मेन पिलर है कि हम सुबह उठ के 16 माला जपा करना। और जपा करने का क्या फॉर्मूला? सिंपल फॉर्मूला है, मुंह से नाम उच्चारण करना है और कान से सुनना है, हर एक एक वर्ड को सुनना है। और ये इतना आसान नहीं हो पाता। जपा करते बैठते ही माइंड इधर उधर भागता है। पहले कुछ मंत्र हम सुनते हैं, एक दो मंत्र सुनते हैं, फिर माइंड इधर जाता है। और हम बार बार स्ट्रगल करते हैं माइंड को काबू में लाके हर मंत्र को सुनने के लिए। पर इसका जो सल्यूशन कुछ और जगह में है। और जगह क्या है? जब हम डिवोशनल सर्विस करते हैं भक्त संघ में आके और कमिटेड रहते हैं, बेसिकली ये दो चीज, कमिटमेंट और डिवोशनल सर्विस, ये दो चीज से हमारा जपा बहुत इफेक्ट रहता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेंगे, भक्त प्रभुपाद का पर्पट हम देखे होंगे, प्रभुपाद का हर कोई बुक में सबसे लास्ट अल्टीमेट सोल्यूशन है डिवोशनल सर्विस। जैसे कोई चाहे कितना भी बुरा हो, जैसे बोलते हैं 9.31 में, अपिचेत सुदुराचारु भजते माम अनन्य भाग साधुरे बस मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो। कोई चाहे कितना भी बुरा हो, जब जब वो डिवोशनल सर्विस में आके जुड़ जाता है, तभी वो चाहे साधु बन जाता है। तो ये डिवोशनल सर्विस भी इतना आसान नहीं है, हमको बहुत जागृत होकर ये डिवोशनल सर्विस करना है। जैसे कि भक्त संघ में जब हम सर्विस करते हैं, हमारा ईगो क्लास होता है। क्या होता है? हम कोई काम बहुत अच्छी तरह करते हैं, फिर भी जब डिवोटी का एसोसिएशन में हम सेवा करते हैं, तब हमारा जो, हम चाहे जितना भी एक्सपर्ट हो, पर डिवोटी भक्त जो होते हैं वो सभी काम में एक से बड़े, एक से लेके एक एक्सपर्ट होते हैं। तो हमारा ईगो क्लास होता है। इससे क्या होता है? हमारा प्यूरिफिकेशन होता है और हमको लगता है अरे मैं ये काम कितना अच्छे से कर सकता हूँ। फिर भी ये डिवोशनल सर्विस वो प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, हम हमारा जो कमी है वो बाहर आ जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? इससे क्या होता है, मतलब जो काम में हम एक्सपर्ट है, हम अगर वो सही से नहीं कर पाते और इसमें कम हो जाते हैं, तो हमारा मन को एक सख्त धक्का लगता है, अरे क्या हो रहा है। तो हम भगवान को प्रे करते हैं, भगवान मैं इसी में इतना एक्सपर्ट हूँ, यही सही से नहीं कर पा रहे हूँ। तो इससे क्या होता है, हमारा हृदय प्यूरिफाई होता है। जब प्यूरिफिकेशन होता है, तब हम आराम से हरिनाम सही से ले सकते हैं। मैं ये खुद एक्सपीरियंस किया। पहले हम ऐसे जपा करते थे, हाँ कुछ बहुत सारा चीज, पर जब सेवा करने के बाद, जब हम अथॉरिटी के अंदर सेवा, ऐसे नहीं अपना मन मर्जी सेवा नहीं, अथॉरिटी के अंडर सेवा करना है, अथॉरिटी जो बोल रहे हैं इन्हीं का बात में रह के जब सेवा करते हैं, तो हमारा प्यूरिफिकेशन और अच्छी तरह होता है। तो इससे क्या होता है, हमको प्रेयरफुल मूड ऑटोमेटिकली आता है। अगर हम कभी सब, हम झुकते नहीं, हाँ मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस हूँ ये करता हूँ, पर ये डिवोशनल सर्विस के टाइम हम कुछ गलती होता है, अथॉरिटी से सुनते हैं, या कभी कभी इतना प्रेशर में सेवा रहता है, तो हमारा क्या होता है, एक दैन्य भाव मन में आता है। और ये दैन्य भाव से हम जब भगवान को प्रे करते हैं, भगवान मुझे तो आपका कृपा चाहिए, नहीं तो मैं ये सर्विस करके, ये डिवोशनल सर्विस करके वैष्णव को, भगवान को कैसे प्रसन्न करूं। तो जब ये दैन्य भाव आता है, तो हम जपा में और अच्छी तरह मन लगता है। ये बोध डिवोशनल सर्विस का मोर डायरेक्टली रिलेटेड टू, मतलब डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारे जपा के ऊपर, तो हम जपा में मोर फोकस कर सकते हैं। और जपा में टेस्ट कैसे आता है? टेस्ट प्रभु, ऐसे हम खाली माला बढ़ाएंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे, तो टेस्ट नहीं आएगा। टेस्ट का सॉल्यूशन दूसरे जगह में है, वो है मर्सी। कैसे मर्सी? गुरु, साधु, शास्त्र, ये सभी का मर्सी के ऊपर ही हमारा टेस्ट डिपेंड करता है। जैसे हम प्रभुपाद का बुक पढ़ते हैं, प्रभुपाद का बुक में बहुत सारी चीज, हमारा पर्पट में जप को लेके, जप हम कैसा करना चाहिए सब चीज लिखा है, ये सब हम पढ़ना चाहिए शास्त्र में। और साधु के अंडर रह के, वैष्णव का अंडर रह के, उनका बातों को मान के सेवा करना है, और प्रेयरफुल मूड में हरिनाम प्रभु को प्रार्थना करना है, भगवान मुझे थोड़ा टेस्ट चाहिए, नहीं तो मैं इतना दिन से जपा कर रहा हूँ, कुछ टेस्ट नहीं मिल रहा। और कुछ दिन बाद में हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बोला कि क्या है मुझे कुछ जपा नहीं मिल रहा, और हम खुद ही खुद बोला कि जपा में टेस्ट नहीं, मैकेनिकली हम करते रहेंगे जपा, पर
हमको आनंद नहीं आएगा, जब तक आनंद नहीं आएगा तब हम लॉन्ग रन में इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसलिए हम स्टार्टिंग से क्या करना है, एक सिंपल हार्ट होके, कमिटेड होके और डिवोशनल सर्विस करते हुए, वैष्णव का अंडर में रह के डिवोशनल सर्विस करते हुए, अगर ये सब प्रोसेस करके हम जब चैंटिंग करेंगे तो हमको चैंटिंग में मजा भी आएगा और हम एक एक वर्ड सुन के भी, हम जब कभी भी सपोज हम बेसिकली हम सुबह कर लेते हैं 16 माला, कभी कभी टाइम नहीं, सपोज सुबह 10 माला किया और 6 माला रह गया या 4 माला रह गया, तो दूसरा टाइम में जब करेंगे, सपोज किसी का ड्यूटी है तो लंच टाइम में करते हैं, सपोज लंच टाइम में आधा घंटा 45 मिलता है, तो उस टाइम में जपा करेंगे, तो उस टाइम में बैठते ही पहला जपा में हमारा मन पूरा एक एक बीड पे आ जाता है, जब ये सब चीज हम करेंगे बैकग्राउंड में। और दूसरा बात है कमिटमेंट। तो कमिटमेंट क्या होता है प्रभु, मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, इस गेस राम रतन प्रभु का परमिशन चाहता हूँ। हम पूरी ट्रिप में थे, पूरी ट्रिप में नवीन माधव प्रभु, मैं, राम रतन प्रभु, हम यहाँ से गए पूरी, गए पूरी से लाल केशव प्रभु हमारे साथ आया, फिर हम पटामुंडे गए, बहुत थकान था बॉडी में, पर प्रभु जी राम रतन प्रभु इतना कमिटेड थे, इतना कमिटेड थे, 3:30 चाहे कहीं पे हो, वो मंदिर में हो, प्रभु जी का घर में हो, इवन ट्रेन में, ट्रेन हमारा उस दिन लेट था, 4 घंटा लेट था, खुर्दा में हम स्टेशन में ऐसे ही लेटे थे, फिर 12:30 या 1 बजे रात को ट्रेन में चढ़े, पर 3:30 में दिखा, मैं अलार्म लगाया था, मतलब प्रभु जी है तो उठ जाएंगे, मैं अलार्म लगाया था, 3:30 को दिखा प्रभु जी उठ के रेडी होके, मैक्सिमम 3:45 प्रभु जी बैठ गए, तो मैं देख के मुझे इतना, मैं मतलब प्रभु जी का हेल्थ कभी ठीक नहीं रहता इतना, फिर वो इतना कमिटेड है, नहीं 4 o'clock सार बैठना है, तो ये अगर कमिटमेंट हमारा रहेगा तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, भगवान देखते हैं कि बंदा इतना स्ट्रगल कर रहा है, और भगवान तो कोई पत्थर नहीं है ना, हम इतना कुछ कर रहे हैं तो भगवान पक्का रेसिप्रोकेट करेंगे, हम इतना कमिटमेंट रहेगा तो हरिनाम प्रभु हमारे ऊपर कृपा करेंगे कि नहीं, इनको थोड़ा टेस्ट देना चाहिए, ऐसा है। और दूसरा बात है ये सर्विस के टाइम क्या होता है प्रभु जी, जैसे हम ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन अभी स्टार्ट हो गया, कल से बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट है, तो इसको करने के लिए हमारा मैनेज, भक्त के मैनेजमेंट बहुत सारा प्लान किए, जैसे मुरलीवर्धन प्रभु कितना पहले से बुक लाना, इसको अरेंजमेंट करना, डिवोटी को सेटअप करना, सेटअप करके भेजना और जाके वहां, ये सब प्लान इतना आसान नहीं रहता प्रभु, सभी का अपना अपना ड्यूटी, मुरलीवर्धन प्रभु बैंक में 8 घंटा 10 घंटा बिजी रहते हैं, फिर भी उनका बीच में अपना काम परफेक्टली करते हुए भी ये सब चीज कैसे होगा, वो कैसे मैनेज करते हैं, तो ये जब सर्विस में हम कंप्लीटली इमर्ज हो जाएगा ना, मैं जो पहले ही बोल रहा था, तो हमको एक दैन्य भाव आता है भगवान, और कभी कभी हम इतना थक जाते हैं सेवा करके, तो हमको एक दैन्य भाव आता है, भगवान उसका कृपा चाहिए मुझे आपका, तो ऐसे जब प्रे करेंगे ये प्रेफुल मूड में, हमको हमारा ये सब इफेक्ट करता है हमारा जपा के ऊपर, तो हम ऐसे ये बुक डिजिटल मंथ अभी चल रहा है, तो सबको रिक्वेस्ट है सभी आके प्रभुपाद का बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम लोगों के पास से मैसेज पहुंचाएंगे, तो ऐसे सर्विस करते हुए जब हम सुबह जपा में बैठेंगे तो हमारा माइंड हर एक एक पद में कोई भी इधर उधर नहीं होगा, एक एक शब्द के ऊपर, एक एक सिलेबल के ऊपर हम माइंड फोकस करेगा, मैं प्रैक्टिकली फील किया, तो हम ऐसा करेंगे तो हमारा जपा को हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था, ये कुछ चीज देखा था मैंने, तो डिवोटी का लाइफ से, तो मैंने ये एक्सप्रेस किया। ठीक है ब्रो, थैंक यू, हरे कृष्ण, जय। Thank you.